यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नालागढ़ में औद्योगिक हब बीबीएन में पंजाब पुलिस की धौंस का मामला सामने आया है, जहां पंजाब पुलिस के जवानों ने निजी अस्पताल में जाकर हंगामा किया और एक जवान ने गोली भी चलाई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला नाई की दुकान चलाने वाले यूपी के एक शख्स से जुड़ा हुआ है। नाई की दुकान चलाने वाले शख्स और उसके एक और आदमी के बीच पैसों के लेन देन के बाद बढ़ा और जिसमें नाई ने अपने यहाँ काम करने वाले आदमी पर कैंची से वार कर उसे घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। और नाई के साथ पंजाब पुलिस की लोगों की दोस्ती होने के चलते पंजाब पुलिस के जवान अस्पताल में चले गए, जहां पर उन्हें अस्पताल के गेट पर रोका गया और जहां पर पंजाब पुलिस के जवानों ने अपना रुतबा दिखाते हुए धौंस जमाई और धक्का मुक्की होने के बाद एक जवान ने फायर कर दिया। मामले में पुलिस ने पंजाब पुलिस के दो जवानों, हेड कांस्टेबल बलजिंदर, कांस्टेबल हरप्रीत, आरोपी नाई सलमान और उसके साथी हाकम सिंह को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच अभी जारी है। रात की बात है और इसमें पहले एक शाहरुख और सलमान नाम के दो लोग हैं जो बारबर का काम करते हैं और इनकी आपस में कुछ कहा सुनी हुई है एक ही दुकान के ऊपर काम करते हैं, जिसके ऊपर सलमान ने शाहरुख को कैंची मार दी थी। इसके ऊपर इसको जो इंजर्ड है शाहरुख, इसको ब्रुकलिन हिमालयन हॉस्पिटल धारबाजी में जाया गया और वहाँ पर इसके बाद कुछ 5-6 लोग गए, जिनकी उन लोगों के साथ जो इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई और उस कहा सुनी के दौरान एक व्यक्ति का फायर किया जाना बताया जा रहा है और ये लोग आइडेंटिफाई हो गया और डिटेन भी लिया जा चुके। पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है ये जिसने फायर किया।